की बोलछे तुमी, हमको तो माछ भात बहुत भालो लगता है। हाय सर। ए, तुम्हारे पास मेकअप तो नहीं है ना? कुछ नहीं है। तुम झूठ बोलता है, तुम मुड़ो, हम तुम्हारा बैग चेक करता है। अरे नहीं, देखो उसे मिल गया। इतना शोर मेकअप, तुम्हारा माथा खराब है क्या? आप ये ले लो और मुझे मेरा मेकअप वापस दे दो। तुम मजाक करता है क्या? इतना टका में तो माछ भी नहीं आएगा। अच्छा तो ये और ले लो। ओ भगवान, ठीक है, अपना मेकअप उठाओ और अपने घर जाओ, और किसी को बोलना मत। ठीक है इंस्पेक्टर, ये मेरे बैग में आ नहीं रहे हैं, यहाँ रखती हूँ। एक मिनट, इस तरीके से मैं सारा मेकअप शार्लेट तक पहुँचा पाऊंगी। मैं अभी आती हूँ। माछ भात रसगुल्ला सौंदेश सब आ जाएगा। तुम फिर आ गया, हमने कहा था ना यहाँ मेकअप लाना मना है, सजा होगी। पर इंस्पेक्टर मैं अपना मेकअप घर रख के आई हूँ। फिर भी हमको जांच करने दो। अरे ये बजता है, फिर से करता है, कितना जोर जोर से बज रहा है। बोलो तुम्हारे बाल के अंदर क्या है? क्लिप है सर, फैशन में है। समझ नहीं आ रहा कि मेकअप नहीं है फिर ये बज क्यों रहा है? ये टूट तो नहीं गया? अरे नहीं, मेकअप डिटेक्टर से इंस्पेक्टर मुखर्जी को लगा जोर का झटका। ये संभले, तब तक क्लोए को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे तुम आ गई क्लोए। हाँ, मेरी ड्रेस कैसी लगी? बढ़िया है, पर इतने सारे बटन्स। असल में मेरी ड्रेस के नीचे आई शेडोज छिपा है। ओह भूल गई, तुम्हारे लिए कुछ और भी है, ये लो, लिप और आई पेंसिल से बना हेयर क्लिप, एंजॉय। ओ क्लोए, तुम्हारा जवाब नहीं। कुथाई जाश्चो, तुम्हारे पास कोई गन वन तो नहीं है ना? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तो मेकअप तो नहीं है तुम्हारे पास? अरे यहाँ पर मेकअप का साइन कहाँ है? अरे सत्यानाश, किधर गया साइन? ओ देखो बदमाश, यहाँ गिरा पड़ा है। देखो मेकअप ले जाना मना है। ओ साहब जल्दी साइन करो। घोड़े पे बैठ के आया है क्या? बढ़िया आइडिया आया। उड़ बाबा, शांतरा किधर है? कैसा गड़बड़ दिन है आज का। सबसे पहले पॉलिस्ट्रीन से संतरे का आकार बनाइए, उसे आधा काटिए और उसके अंदर ड्राई पाउडर रख दीजिए। अब उस पर ऑरेंज पेंट स्प्रे कर दीजिए और ऊपर एक हरी पत्ती लगा दीजिए और देखिए काम हो गया। हेलो, की कर बो? हेलो, मैं अपनी दोस्त के लिए संतरे लाई हूँ सर। ठीक है पर तुम इनको अंदर नहीं ले जा सकता है, हम उसको दे देगा। मियाँ को ये आइडिया कुछ जमा नहीं, पर क्या करें, और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? उसे भी नकली संतरा मिल गया है और इसने जरूरत से ज्यादा संतरे खा लिए हैं और अब इसका चेहरा नारंगी दानों से भर गया है। अच्छा है इसे ड्राई पाउडर मिल गया, क्योंकि अब दाग बुरे नहीं रहेंगे। ला 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 ला। अंदर मेकअप ले जाना मना है, इंस्पेक्टर इन सब चीजों को देखते ही जब्त कर लेगा। ए हट डिकरा, देख नहीं रही कि हम आ रहा है। हेलो मैडम, आजकल का बच्चा लोग भी ना। कोई बात नहीं मैम, आप प्लीज जाइए। उसने बुढ़ी आंटी को चेक भी नहीं किया, आइडिया। आप आराम से जाइए। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? ए तुम्हारे पास कोई मेकअप तो नहीं है ना? मेरे पास नहीं तो? अम्मा मियाँ हटो, जरा सीनियर सिटीजन को जाने दो। क्या ये सच में आप हैं? आप इस फोटो से काफी अलग लग रहे हैं। अम्मा बरखुरदार, हम उसमें हंस रहे हैं, देखो। ओ नो, सारे दांत गिरा दिए मैंने। काफी अजीब हालात हैं। अम्मा माफ करो नौजवान, अब हम चलते हैं। एक सेकंड रुकिए सर, आप कहीं शिक्रे के आदमी तो नहीं है? चेक करने दीजिए। अरे बाप रे, स्कैनर तो पागलों की तरह बज रहा है। अब तो तुम गई सोफिया। ये क्या, उस अजीब से आदमी के पास तो मेकअप है, उसने तो कहा था कुछ नहीं है। अब तो सिंघम की सटक ली, पर सोफिया की किस्मत बुलंद है। वो दोनों लड़ रहे हैं, तब तक वो नजर बचाकर अंदर भाग रही है। ए, नाली के कीड़े, निकल यहाँ से। हाँ ऐसे ही रेंग रेंग कर निकल, फिर दिखा तो सीधे स्प्रे मारूंगा। दादाजी, क्लोए मैं हूँ, दादाजी नहीं। वाह क्या बात है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा मेकअप लाई हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी छड़ी में भी काफी सारा है, देखो एंजॉय दोस्त। तुम्हारा जवाब नहीं सोफी।
इंस्पेक्टर तो सो रहा है। हमेशा की तरह क्लोई अपने साथ मेकअप लाई है जो यहाँ लाना मना है। उड़े बाबा, तुमको कहा था ना मेकअप लाना मना है, लाओ ये शॉप हमको दे दो। ओ, नहीं, ओ। उड़े बाबा, वो क्या था, हम शॉप ना तो नहीं देख रहा था। वो कोई सपना नहीं था, क्लोई ने हैंगर से क्लीनर की यूनिफॉर्म चोरी कर ली है। ए, रुको, वो क्या है? बस गंदे कपड़े हैं। एक मिनट रुको, अंदर मेकअप ले जाना मना है। क्या तुमने इस डिब्बे के अंदर मेकअप छिपा रखा है? तुम हो हमारा गंदा कपड़ा भी लेती जाओ। हाँ बिल्कुल सर, दे दीजिए। हमने बहुत दिनों से धोया नहीं है, बस थोड़ा और। होय होय, लगता है बंगाली बाबू ने कुछ दिनों से नहीं महीनों से कपड़े नहीं धोए हैं। ओ बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा काम तो नहीं हुआ ना? अरे बिल्कुल नहीं साहब, हम सब धोकर ले आएगा। कौन है वहाँ? उफ, कितना भारी है। ये क्या है? क्लोई ने इतने कपड़ों के नीचे मेकअप छिपा रखा था, पर शैलेट को उनमें पुलिस की वर्दी भी मिल गई। अब आएगा मजा, देखो यहाँ चाबियां भी हैं। मैं आजाद हूँ। ये लो और ये भी। अमित तुम्हारे भालो बाशी। उड़ बाबा, ये क्या? ओह, ये मुझे असली पुलिस समझ रहा है। सुनो इंस्पेक्टर, देखो मुझे इस जेल से क्या मिला। होम को देख ले दो। अरे ये क्या, तुमने होम को लॉक कर दिया, हमको बाहर निकालो। उफ, ये लड़की और उनका मेकअप बहुत गड़बड़ है। ए, अंकल मैं। ए, क्यों कर चो? तुम कौन हो? अपन तुम्हारी ड्यूटी संभालने आए हैं। ए, रुक जा चिकनी, मेकअप ले जाना मना है। चल जेब खाली कर। देखा लिपस्टिक, अब ये जाएगा कचरे में। नियम तोड़ने के जुर्म में अमित तुमको गिरफ्तार करता है। बढ़िया काम किया बाबू मोशाय। उनका आइडिया काम कर गया। एवा ने तो अपनी दोस्त को पहचाना ही नहीं, तो उसने उसे सताने के बारे में सोचा। इधर आओ, तुम्हारी जेब में क्या है? जल्दी दिखा उनको। ये क्या है चिकनी? कुछ नहीं, हेयर ब्रश है। चल अपनी बटन जैसी आंखें बंद कर। अरे वाह, डंडे में लिपस्टिक छिपी हुई है और मिया इतनी खुश है कि उसने एवा के बाल ही रंग दिए हैं। पर एवा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया क्योंकि उसने अपनी दोस्त को पहचान लिया है और अब वो चाहती है कि वो उसके सारे बालों में रंग लगाए। यकीन नहीं होता, सच में क्या कूल लुक है। ए, थांबा, ये क्या है? पढ़ना नहीं आता क्या? ओह नो सर, मुझे पता नहीं था। लाओ मुझे सब दे दो। हेलो, लगता है काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है, आ जाओ। ये सिंघम की तो, उसे तो चेक भी नहीं किया। आइडिया। ला 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 ला, वाओ, आउच, मेरी टांग टूट गई भगवान। अरे देवा, अब क्या करूं? तुम्हारा फर्श गीला था और तुमने साइन भी नहीं लगाया, सब तुम्हारी गलती है। पर मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। और रुक जाओ, क्या इसके बदले में मेकअप से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, मेरी टांग, हाय मेरी टांग, बहुत दुख रही है। ओ, आज तुम्हारी टांग कैसी है? जैसा कि तुम देख सकते हो ये टूट गई है और अब चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मुझे तुम्हारी मदद कर लेने दो, जल्दी ठीक होना। सुनो क्लोई। हे भगवान, सोफिया, ये क्या हुआ? इतना ड्रामा मत करो, ये नकली है, बस एक बार तोड़ लो। सोफिया अपना कास्ट तोड़ रही थी और उसी वक्त सिंघम अंदर आया और ये नजारा देखकर बेचारा बेहोश हो गया। वो ये नहीं जानता कि सोफिया ने अपने कास्ट के नीचे कितना सारा मेकअप छिपा रखा है। मैं निकलती हूँ। इससे पहले कि उसे होश आए, मेकअप छिपा दो क्लोई। वाह वाह, खूब भालो। अरे नहीं, अभी मेकअप में कहाँ छिपाऊं? ओह, क्लोई ने इंस्पेक्टर के डेस्क पर कुछ बर्गर्स रखे दिखे और उसे समझ आ गया कि वो मेकअप कैसे ले जा सकती है। बस
चुपचाप काम करो ताकि इंस्पेक्टर को कानो कान खबर ना हो। कैसे हैं सर? ए, तुम्हारे पास मेकअप तो नहीं है? अरे नहीं सर, मैं तो बस अपनी दोस्त के लिए कुछ बर्गर्स लाई हूँ। हमको चेक करना पड़ेगा, चलो इधर आओ तुम। क्या? अभी आती हूँ सर। ओ अच्छा, हमको देखने दो। क्लोए का एक्सरे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर इंस्पेक्टर मुखर्जी का मन तो टेबल पर पड़े बर्गर्स को देखकर ललचा रहा है। ओ नहीं, ओ ये कितना बढ़िया दिखता है, हमको एक खाने को दो। हाँ ये सब क्या गड़बड़ है? इंस्पेक्टर, अगर आपने बहुत ज्यादा बर्गर्स खाए तो आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लीज हेल्दी खाना खाइए। आप ये गाजर खाइए, तब तक मैं अपनी दोस्त को मिलकर आती हूँ। शार्लेट, शार्लेट, ओ खाना, कितनी भूख लगी थी। ये देख पागल, ये सब नकली है, अंदर तुम्हारे लिए मेकअप है। ओ मेकअप हो तो खाने की क्या जरूरत। ओ मैं कितनी खुश हूँ।